छठ के मौके पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इन दोनों की फिल्में आ रही हैं कि हमार स्वाभिमान तो दूसरे की बोल राधा बोल। जी हाँ, पवन सिंह तैयार हैं, जैसे कि हमेशा की तरह वो अपनी फिल्म रिलीज करते वक्त जरा भी हिचकते नहीं हैं। तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव से जब रिपोर्टर ने हाल ही में पूछा कि हमार स्वाभिमान फिल्म पवन सिंह की छठ के मौके पर रिलीज़ हो रही है और आपकी भी फिल्म छठ के मौके पर रिलीज़ हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे, तो आप खुद ही सुन लीजिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। कुछ और लोग हैं इस लाइन में कि छठ पूजा में वो भी आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव वो भी मेरे अपने ही हैं, वो भी हमारे भोजपुरी के बेटा हैं, तो सब लोग के चले। मैं देखे, मैं किसी को चैलेंज में नहीं रखता, सच पूछिए तो मैं किससे लड़ूं, अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता और मैं कभी अपनों से लड़ा नहीं। हां, जहां कहीं बात विवाद हो जाती है तो बात अगर पिता एक पुत्र को बोलता है, चाहे पुत्र अगर पिता को बोलता है, तो बातें तो वहाँ भी हो जाती है, वहाँ भी थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि सवाल जब आते हैं तो जवाब तो आदमी देगा ही। तो सुना आपने क्या कहा खेसारी लाल यादव ने। अब हम आपको ये बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव का रुख काफ़ी नर्म पड़ गया है। जी हाँ, पहले से खेसारी लाल यादव का रुख काफ़ी नर्म पड़ गया है। वहीं जब भी वो पवन सिंह के सवाल किए जाते थे उनसे, तो उनका रुख थोड़ा तलखियों वाला रहता था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का वो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, ये बात और है कि पवन सिंह का नाम नहीं लिया वहाँ, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पवन सिंह से रिलेटेड ही कही हैं, अपना परिवार का एक सदस्य तक बताया। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों के फिल्मों के क्लैश के लिए, जब ये दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में एक साथ रिलीज होंगी। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप किसकी फिल्म देखने जाएंगे ये भी बताइए।